चीन अमेरिका के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ चुका था। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे, यहाँ तक कि ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए खुलकर बीजिंग को ही दोषी ठहराया था। अब खुफिया जानकारी मिली है कि चीन अब नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में घुसपैठ करने की फिराक में है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक विलियम इवेनिया ने दावा किया है कि चीन जो बाइडेन की टीम के लोगों पर फोकस कर रहा है। खुफिया अधिकारी ने कहा कि चीनी जासूस नए राष्ट्रपति बाइडेन की टीम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम इवेनिया ने कहा कि चीन अमेरिका में बन रही कोरोना की वैक्सीन और हाल में हुए अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि बाइडेन के प्रशासन में चीन फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। इस दौरान इवेनिया ने कहा कि राजनयिक स्तर पर हमें नए प्रशासन में हस्तक्षेप दिखना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी काफी रुचि है। हम ये समझना चाहते हैं कि नए प्रशासन पर इसका असर ना हो। हाल ही में ट्रंप और बाइडेन के चीन के साथ लिंक होने की बातें भी सामने आ रही हैं। ट्रंप ने बाइडेन के बेटे की चीन के साथ बिजनेस डील को मुद्दा बनाया, जबकि बाइडेन ने ट्रंप के चीनी बैंक में अकाउंट की बात सार्वजनिक कर दी। इसके अलावा अमेरिका के न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 1000 से ज्यादा संदिग्ध चीनी जासूस अमेरिका में घुस चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के न्याय विभाग के चीफ जॉन डेमर्स ने दावा किया कि सैकड़ों चीनी शोधकर्ताओं ने चीन की सेना के साथ करार किया है। FBI ने इनकी पहचान कर ली है। डेमर्स ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने 5 से 6 चीनी शोधकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इसके बारे में जांच शुरू हो गई। FBI ने इनके अलावा दर्जनों लोगों का इंटरव्यू भी किया, जिसमें ये पता चला कि 1000 से ज्यादा चीनी शोधकर्ता अपना देश छोड़ चुके हैं। डेमर्स ने कहा कि सिर्फ चीन के पास ही ऐसे संसाधन और योग्यता है जिसके जरिए वो राजनीतिक और आर्थिक जासूसी जैसे छोटे काम कर सकता है। बहरहाल, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।